हमीरपुर जिला के डुग्गा पंचायत के लोगों ने डुग्गा पंचायत को दो पंचायतों में विभाजित किए जाने पर खुशी जताई है और प्रदेश सरकार व हमीरपुर के स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर का धन्यवाद किया है। लोगों का मानना है कि छोटी पंचायत ज्यादा तरक्की करती है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि ग्राम पंचायत डुग्गा को विभाजित कर दूसरी पंचायत बरोहा को बनाया गया है, लेकिन पंचायत घर पंजाली में बनाया जाए ताकि हर व्यक्ति को सुविधा मिल सके। डुग्गा पंचायत के पूर्व प्रधान कश्मीर सिंह ने बताया कि डुग्गा पंचायत का विभाजन कर उसे दो पंचायतों में तब्दील किया गया है, जिस पर वे स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर व प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि डुग्गा पंचायत को विभाजित कर बरोहा पंचायत का निर्माण किया गया है, लेकिन पंचायत घर गाँव पंजाली में बनाया जाना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सड़क सुविधा भी अच्छी है। उन्होंने कहा कि यदि छोटी पंचायत हो तो वो ज्यादा तरक्की करती है। ठाकुर साहब जो डुग्गा पंचायत दो पंचायत छोटी पंचायत की तरक्की भी बड़ी भारी होंगी, कहना विरोध के नाम से पंचायत बनी, कहना सेंटर च पंचायत घर पंजाली ने बना पंजाली सेंटर बनने से सारे लोगों को फायदा, कहना ग्रोहे आए भी फायदा, सारे फायदा, कहना जमीन भी काफ़ी थी, सड़क की सुविधा भी पूरी, कहना छोटी पंचायत बनने से काफ़ी इलाके की तरक्की होंगी। कहना अ बड़े खुश हो गए ठाकुर साहब ने पहले भी अभी मेहनत की पूरी इन्हें पूरी सुनवाई की। महिला मंडल की प्रधान निर्मला देवी ने कहा कि वे डुग्गा पंचायत का विभाजन होने से खुश हैं और स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर का धन्यवाद करती है। उन्होंने मांग की है कि ग्राम पंचायत बरोहा का पंचायत घर पंजाली में बने। ये हमारी पंचायत है, जो पंचायत थी दुर्गा पंचायत, उसकी दो पंचायतें बन गई। हम इनको एमएलए साहब को धन्यवाद देने आए कि आपने बहुत अच्छा किया और ये हमारी दो पंचायतें बन गई। सर जो है वो हम ये भी निवेदन करने आए हैं कि हमारा जो पंचायत घर है वो सेंटर में बनना चाहिए। नहीं ना चाहे ब्रो आई हो, पर पंचायत घर जो सेंटर में होना चाहिए पंजाली।